हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग कैलकुलेशंस सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो ड्रग कैलकुलेशन सो so, इस वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक और सिंपल ड्रग फार्मूलाज यूज़ किए हैं बेसिकली uh, यहाँ पर तीन और चार फार्मूलाज हैं जिसके साथ आप मोस्टली ड्रग कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं सो so, बहुत ही सिंपल है मोस्टली uh, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको ड्रग कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी आती है बट विद दीज फार्मूलाज दीज आर वेरी बेसिक और सिंपल है जिससे मोस्टली ड्रग कैलकुलेशन uh, जो है सॉल्व हो जाती है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो ड्रग कैलकुलेशन करने से पहले कुछ बेसिक जो यूनिट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं सो कॉमन इक्विवेलेंस सो इक्विवेलेंस मतलब uh, कि जब हम ड्रग कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं सो सम टाइम हमें ग्राम्स uh, में ड्रग uh, uh, या फिर डोज अवेलेबल होती है जिसको हमने मिली में कन्वर्ट करना होता है या फिर हमको टीसफोन uh, में अवेलेबल होता है ड्रग जो कि ऑन हैंड होता है और हमें उसको एम में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम बेसिक जो यूनिट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं पहले सो फर्स्ट वेरी कॉमन 1 केजी 1 केजी मींस 1 किलोग्राम तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो अगर आपको कहीं केजी गिवन है तो आपको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं देन 1 ग्राम 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम्स ओके एंड 1 मिलीग्राम में होते हैं 1000 माइक्रोग्राम्स सो डिपेंडिंग अपॉन फार्मूला कि फार्मूला क्या है और आपको किस में कन्वर्ट करना है आपके पास कितना यूनिट uh, अवेलेबल है लाइक like आपके पास अवेलेबल है ग्राम लेकिन आपको कन्वर्ट करना है इसको मिलीग्राम uh, में तो मिलीग्राम में कन्वर्ट कैसे करोगे वन ग्राम में वन थाउजेंड मिली होते हैं तो अगर आपको ये यूनिट्स पता है ये इक्विवेलेंस पता है तो आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं सो नेक्स्ट इज़ वन के जी वन के जी इज इक्वल टू टू पॉइंट टू पाउंडस तो ये भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज वन लीटर वन लीटर में होते हैं वन थाउजेंड मिली लीटर्स वन थाउजेंड एम एल देन वन टी स्पून ये क्या है टी स्पून टी एस पी तो वन टी स्पून का मतलब है अगर आपको बोला है कि वन टी स्पून डॉक्टर ने आपको बोला है कि वन टी स्पून इसको मेडिसिन देनी है तो वन टी स्पून का मतलब है फाइव एम एल क्योंकि वन टी स्पून में कितना आता है फाइव एम एल मीन फाइव मिली लीटर वन टेबल स्पून वन टेबल स्पून अगर डॉक्टर ने आपको बोला कि वन टेबल स्पून देना है तो वन टेबल स्पून का मतलब है थ्री टी स्पून वन टेबल स्पून में थ्री टी स्पून आते हैं मतलब वन टी स्पून में अगर फाइव एम एल है तो थ्री टी स्पून में कितना आएगा फाइव इंटू थ्री दैट इज़ फिफ्टीन एम एल इसका मतलब वन टेबल स्पून में फिफ्टीन एम एल आता है क्योंकि अगर वन टेबल स्पून थ्री टी स्पून के इक्वल है तो वन टी में फाइव एम होता है तो थ्री टी में कितना होगा थ्री इंटू फाइव दैट इज़ फिफ्टीन एम तो वन टेबल स्पून कितने इक्वल होता है फिफ्टीन एम के नेक्स्ट नेक्स्ट आता है वन ओ जेड ओ जेड इज़ वन आउंस आउंस में कितना होता है थर्टी एम तो वन आउंस अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो मतलब थर्टी एम देना है तो ये क्या है ये सारे कॉमन इक्वलेंट्स हैं तो मैंने यहाँ पर जस्ट इम्पॉर्टेंट मैंशन किए हैं वैसे बहुत सारे हैं इम्पॉर्टेंट मतलब जो हम डेली रूटीन में जिनको हम इनकाउंटर करते हैं तो डेली रूटीन में हम इन सब इक्विवेलेंट्स uh, के साथ इनकाउंटर होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर वही इम्पॉर्टेंट और कॉमन इक्विवलेंट्स ही मैंशन किए हैं सो so ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके बाद इसको एक बार देखने के बाद अब हम चलते हैं मेन ड्रग कैलकुलेशन पर सो so, सबसे पहले जो हम ड्रग कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे वो होगी डोज के ऊपर डिपेंड इट मीन्स डोजेज कैलकुलेशन राइट right. कि डोज इतनी है और हमारे पास इतनी है ऑर्डर इतनी की है तो देनी कितनी है राइट right? तो ये सबसे कॉमन फार्मूला है सबसे कॉमन यूनिवर्सल फार्मूला भी इसको कहते हैं क्योंकि डेली जब हम हेल्थ केयर सेटिंग में वर्क करते हैं तो हमें डोज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि डॉक्टर ने इतनी ऑर्डर की डॉक्टर ने ट्वेंटी फाइव ऑर्डर की हमारे पास पॉइंट ग्राम है हम कितनी दें तो यही प्रॉब्लम आती है ठीक है सो सबसे मेन और सबसे सिंपल बहुत ही ईजी वे है पहले मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी ड्रग कैलकुले करने में बट ये थ्री और फोर फॉर्मूलाज है और बहुत ही simple है उसके बाद इतना easy हो गया करना। सबसे पहले drug calculation की जरूरत कब पड़ती है हमें ड्रग कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ती है जो ड्रग की डोज कैलकुलेशन है क्यों करनी पड़ती है तो ड्रग डोजेज कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड ये तब चाहिए होती है अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर डिजायर्ड जब जो अमाउंट है मेडिकेशन का जो ऑर्डर किया है मीन्स जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है या फिर डिजायर्ड अमाउंट जितना हमें चाहिए अब डॉक्टर ने जो ऑर्डर किया है उतना ही डिजायर्ड है उतना ही हमें चाहिए राइट तो ऑर्डर्ड डिजायर्ड या फिर रिक्वायर्ड अमाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम वट इज अवेलेबल ऑन हैंड तो ये क्या होगा डिफरेंट होगा किससे वट इज अवेलेबल ऑन हैंड ऑन हैंड मतलब हमारे पास कितनी है उससे डिफरेंट होगी अब सपोज डॉक्टर ने हमें ऑर्डर की कितनी 50 एम जी ऑर्डर की है कि इस पेशेंट को 50 एम जी देनी है और हमारे पास ओन हैंड कितनी है अवेलेबल ओन हैंड हमारे पास कितनी है सपोज हमारे पास 500 हंड्रेड एम जी है राइट right? तो हम कैसे ड्रग डोजेज कैलकुलेशन फिर हम डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास तो 500 हंड्रेड है और डॉक्टर ने 50 एम ऑर्डर की है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है सारी ड्रग डोसेज कैलकुलेशन इससे सॉर्ट आउट हो जाती है सॉल्व हो जाती है तो ये फार्मूला क्या है इसको यूनिवर्सल फार्मूला या फिर जो बेसिक फार्मूला है हर जगह ये अप्लाई होगा फॉर्मूला तो ये क्या है अमाउंट डिजायर्ड सबसे पहले अमाउंट डिजायर्ड दैट इज डी अमाउंट डिजायर्ड का मतलब है कि जितना डॉक्टर ने ऑर्डर किया है और जितना रिक्वायर्ड है वो क्या है अमाउंट डिजायर्ड या फिर जितना नेसेसरी है जितना हमने पेशेंट को देना है वो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है ये आता है अमाउंट डिजायर्ड देन अपॉन अमाउंट ओन हैंड हमारे हैंड में कितना अमाउंट है मतलब हमारे पास कितना अमाउंट है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अमाउंट डिजायर्ड जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया वो कितना था फिफ्टी एम जी अमाउंट डिजायर्ड कितना है फिफ्टी एम जी ऑर्डर ऑर्डर का मतलब है डिजायर्ड तो फिफ्टी एम जी डॉक्टर ने ऑर्डर किया तो इसका मतलब हमें डिज़ायर्ड हम कितना अमाउंट चाहते हैं पेशेंट को देना फिफ्टी एम जी अमाउंट ओन हैंड अपॉन अमाउंट ओन हैंड ओन हैंड कितना है हमारे पास फाइव हंड्रेड एम जी ठीक है इनटू क्वान्टिटी इन दोनों के इनटू में मल्टीप्लाई में क्या आएगा क्वान्टिटी दैट इज क्यू क्वांटिटी कितनी है अब क्वांटिटी अब आपको एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएगा कि क्वांटिटी क्या है ओन हैंड क्या है डिजायर्ड क्या है इज इक्वल टू वाई मीन्स टैबलेट्स रिक्वायर्ड अगर ये आ गई इज इक्वल टू वाई वाई मतलब जो हमें एक्चुअल में डोज पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है वो कितनी करनी है दैट इज वाई वाई मीन्स टैबलेट्स रिक्वायर्ड अगर टैबलेट है तो टैबलेट रिक्वायर्ड एम एल है तो एम एल रिक्वायर्ड कितना चाहिए दैट इज़ वाई ओके सो यहाँ पर नोट क्या है नोट ये है वेन द मेडिकेशन इज गिवन इन टैबलेट जब मेडिकेशन टैबलेट में दी जाती है मीन्स हमें कोई टैबलेट एडमिनिस्टर करनी है तो क्या होता है द क्वान्टिटी कितनी होती है वन जो यहाँ पर ये यह क्वान्टिटी है ना ये कितनी होगी वन वन क्यों होगी बिकॉज सिंस द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल इज स्पेसिफाइड पर टैबलेट क्योंकि जो भी मेडिकेशन का अमाउंट होता है ना वो ऐसे दिया होता है ट्वेंटी फाइव एम जी पर टैबलेट ट्वेंटी एम जी पर टैबलेट फिफ्टी एम जी पर टैबलेट तो पर का क्या मतलब है पर मीन्स वन वन टैबलेट राइट तो क्वांटिटी कितनी होगी वन पर का मतलब पर टैबलेट मीन्स वन टैबलेट अब पर वन टैबलेट तो हम टैबलेट के लिए जो क्वांटिटी लेते हैं वो यूजुअली वन लेते हैं इट मीन्स ट्वेंटी फाइव पर टैबलेट मीन्स पर टैबलेट मीन्स एक टैबलेट में ट्वेंटी फाइव एम है तो हम वन टैबलेट क्वांटिटी लेते हैं टैबलेट्स के केसेस में पर कैप्सूल कैप्सूल भी तो आ जाएगा वन तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है d अपॉन एच इन टू क्यू इज इक्वल टू वाई डी क्या है अमाउंट डिजायर्ड h क्या है ऑन हैंड क्वांटिटी q इज इक्वल टू वाई सो ये बेसिक फॉर्मूला है अब इसको आप नोट कर लो नाउ ड्रग डोसेज कैलकुलेशन के इस फार्मूला को हम एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे सो so एग्ज़ाम्पल्स हमने दोनों लिए हैं टैबलेट फॉर्म में भी एग्जाम्पल लिया है मैंने और लिक्विड हो अगर कोई सस्पेंशन हो वाइल हो एम्प्यूल हो उस फॉर्म में भी मैंने एग्जाम्पल लिया है कि तब कैसे कैलकुलेट करना है इट्स वेरी ईजी फर्स्ट एग्जाम्पल है ड्रग डोजेज कैलकुलेशन का दैट इज टॉप एक्सेल 50 एम पर ओरल इज ऑर्डर्ड नाउ टोप्रोल एक्सल क्या है ये हमारा बीटा uh, ब्लॉकर है दैट इज एक्चुअली मेटोप्रोलोल सो मेटोप्रोलोल ही है ये टोपरो uh, सो uh, so, ये बीटा ब्लॉकर है uh, हाइपरटेंशन uh, के लिए दिया जाता है ये ड्रग हार्ट फेलियर के लिए दिया जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए दिया जाता है चेस्ट पेन एंजाइना के लिए भी दिया जाता है तो टोप्रोल एक्सिल फिफ्टी एम जी पर ओरल पी ओ इज ऑर्डर्ड ना सबसे पहले हमने जब भी एग्जाम्पल रीड करना है कोई भी ड्रग कैलकुलेशन हमने सॉल्व करनी है सो so सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है गिवन क्या है और निकालना क्या है कैलकुलेट क्या करना है और देन उन चीज़ों को जब हमने एक बार देख लिया कि ये हमारे पास गिवन है ये हमने कैलकुलेट करना है देन उसको हमने फॉर्मूला में पुट कर देना है सो so, सबसे पहले टोप्रोल एक्सल फिफ्टी एम पर ओरल पी ओ इज ऑर्डर्ड टोप्रोल एक्सल इज़ Available as 100 mg per tablets. How many tablets would the nurse administer? So sabse pehle humne dekh liya Toprol 50 mg PO is ordered. Ordered ka matlab ki doctor ne ordered kiya matlab desired dose. That is required dose आप बोल सकती हैं या फिर desired dose. जो में uh, desired है, वो कितनी है? 50 mg per oral. So required dose कितनी है हमारे पास? या फिर डोज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फिफ्टी एम जी राइट तो इतनी हम ऑर्डर की है डॉक्टर ने नेक्स्ट इज टोप्रोल एक्सेल इज एवेलेबल एज हंड्रेड एम जी पर टैबलेट्स नाउ यहां पर ये पर आ गया पर टैबलेट्स। तो डोज यूजुअली ऐसी ही होती है हंड्रेड एम जी पर टैबलेट ट्वेंटी एम जी पर टैबलेट 200 हंड्रेड एम जी पर टैबलेट्स तो पर का मतलब है वन टैबलेट पर टैबलेट अगर लिखा है तो वन टैबलेट अब यहाँ पर अगर पर टू एम लिखा होता पर टू टैबलेट लिखा होता यूजली टैबलेट के केस में वन ही आता है क्योंकि ऐसे नहीं होता कि 100 mg पर टू टैबलेट्स ऐसे तो नहीं लिखा होता 100 mg पर टैबलेट ही लिखा होता है तो यूजुअली वन टैबलेट में कितना mg है ये हम काउंट करते हैं तो जो क्वांटिटी होगी हमारी वो टैबलेट के, के केस में हमेशा वन होगी नाउ यहां पर टोप्रोल एक्सेल इज अवेलेबल एज हंड्रेड एम जी नाउ एवेलेबल कितना है हंड्रेड एम जी तो ओन अवेलेबल का मतलब है ओन हैंड हमारे हाथ में कितनी डोज है ओन हैंड कितनी है हंड्रेड एम जी राइट और क्वांटिटी कितनी है पर टैबलेट्स पर मतलब वन टैबलेट के केस में वन क्वांटिटी इज वन तो so ये हमारे पास हमें पता है कि हमें ऑर्डर डॉक्टर ने इतनी की है फिफ्टी एम जी की है ऑन हैंड हमारे पास कितनी अवेलेबल है हंड्रेड एम जी है क्वान्टिटी वन है क्योंकि पर टैबलेट बोला हुआ है तो हमारे पास ये हमने सब देख लिया कितना है उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें फॉर्मूला में पुट कर देनी है इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला क्या है रिक्वायर्ड डोज हमने अभी डिस्कस किया था रिक्वायर्ड डोज या फिर डिजायर्ड डोज अपॉन डोज इन हैंड्स इनटू क्वांटिटी दैट इज़ क्यू सो so, रिक्वायर्ड कितनी है फिफ्टी अब सबसे पहले एक और बात यहाँ पर कि दोनों किस्में है एम जी एम जी में है तो यूनिट सेम है अगर यहाँ पर रिक्वायर्ड मान लो ग्राम में होता और ओन हैंड हमारे पास मिलीग्राम में होता है एम जी में तो हम पहले ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करते So, हमने यूनिट सेम रखनी है सो so, यूजुअली हम जब टैबलेट्स के केस में देखते हैं तो हम ग्राम नहीं फॉलो करते हम मिलीग्राम फॉलो करते हैं एम जी तो हम यूनिट्स को एम में कन्वर्ट करते हैं अगर यहाँ पर ग्राम है तो हमको एम में पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसको डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ पर दोनों एम में हैं तो हमें इसका यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बाकी अगर यूनिट चेंज करना होगा तो मैंने साइड में पहले पिछली स्लाइड में इक्विवेलेंट एक्सप्लेन किए थे तो उससे हम इजिली चेंज कर सकते हैं सो so, यहाँ पर रिक्वायर्ड हमारे पास फिफ्टी एम है अपॉन फॉर्मूला क्या था ऑन हैंड रिक्वायर्ड अपोन ओन हैंड ऑन हैंड कितनी है हमारे पास हंड्रेड एम जी दैट इज हंड्रेड एम जी राइट इन टू क्वांटिटी और क्वांटिटी कितनी है हमारे पास दैट इज वन सो अब ईजी है कैलकुलेट करना वाई इज इक्वल हमने देखा था इज इक्वल टू वाई मींस कितनी टैबलेट्स रिक्वायर्ड है तो हाउ मेनी टैबलेट्स वुड द नर्स एडमिनिस्टर अब कितनी टैबलेट्स एडमिनिस्टर करेगी right. तो नर्स पॉइंट फाइव राइट तो पॉइंट फाइव टैबलेट नर्स एडमिनिस्टर करेगी पॉइंट फाइव मीन्स हाफ तो अगर डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 50 mg और रिक्वायर्ड हमारे पास है 100 mg जी इं टू क्वान्टिटी क्वान्टिटी कितनी है अगर पर टैबलेट है मतलब वन है वन क्वान्टिटी है तो कितना आ जाएगा टैबलेट्स हमें कितनी एडमिनिस्टर करनी है पॉइंट फाइव टैबलेट्स ईजी है तो अब कोई भी अगर एग्जाम्पल आ जाएगा टैबलेट्स का तो वो निकालना बहुत ईजी है रिक्वायर्ड डोज अपॉन ओन हैंड इन टू क्वान्टिटी रिक्वायर्ड अगर यहाँ पर 200 हो ओन हैंड हमारे पास कितनी भी हो तो सिर्फ एग्जाम्पल में पुट करना है और निकल आएगा सो so ये तो सिंपल था कई बार टफ भी आती है कैलकुलेशन तो हमने कैसे उसको सॉल्व करना है जस्ट इसी एग्जाम्पल से दैट इज रिक्वायर्ड अपॉन हैंड ओन हैंड कितनी है इट मीन्स डिज़ायर्ड डिजायर्ड मीन्स कितना डॉक्टर ने ऑर्डर किया डी अपॉन एच इन टू क्वान्टिटी नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिक्विड्स uh, के लिए सस्पेंशन है Uh, कोई एमप्यूल uh, है वायल है तो उसमें एम में होता है तो टैबलेट के केस में या फिर कैप्सूल के केस में तो हम ऐसे पर टैबलेट पर कैप्सूल हम वन ही क्वांटिटी रखते हैं अब एम के केस में हम कैसे देखेंगे नाउ डिलेंटिन 125 ये नेम है डिलेंटिन 125 डिलेंटिन क्या है फैनिटोइन है फैनिटोइन एंटी सीजर ड्रग है ये सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए देते हैं डिलेंटिन वन इज़ अवेलेबल एज़ वन ट्वेंटी पर फाइव एम तो डिलेंटिन 125 कैसे अवेलेबल है 125 ट्वेंटी फाइव पर 5 एम अवेलेबल का मतलब कि हमारे पास ऐसे अवेलेबल है मीन्स ओन हैंड हमारे पास 125 ट्वेंटी फाइव पर 5 एम है डिलेंटिन वन ट्वेंटी ग्राम पी ओ इज ऑर्डर्ड ऑर्डर कितनी की है डॉक्टर ने पॉइंट थ्री ग्राम पर ओरल पी ओ तो ऑर्डर हमारे पास ये इतनी ऑर्डर की गई हाउ मैनी शुड द नर्स एडमिनिस्टर टू द पेशेंट अब पेशेंट को कितना एडमिनिस्टर करेगी नर्स अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारे पास डिलेंटिन 125 ट्वेंटी फाइव इज अवेलेबल एज वन ट्वेंटी फाइव एम जी पर फाइव एम एल डिलेंटिन वन ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री ग्राम पर ओरल इज़ ऑर्डर सबसे पहले हमने ऑर्डर निकालनी है ऑर्डर कितने का कितनी ऑर्डर की गई है मीन्स डिज़ायर्ड या फिर रिक्वायर्ड कितनी है डिज़ायर्ड कितनी है पॉइंट थ्री ग्राम पर ओरल मीन्स पॉइंट थ्री ग्राम डिजायर्ड है डिलेंटेड वन ट्वेंटी फाइव इज अवेलेबल वन ट्वेंटी फाइव एम जी पर फाइव एम एल अब अवेलेबल कितनी है मीन्स हमारे पास ओन हैंड कितनी है हमारे हाथ में या फिर अवेलेबल कितनी है 125 ट्वेंटी 125 एम हमारे पास अवेलेबल है पर फाइव एम अब ये पर फाइव एम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या था पर टैबलेट यहाँ पर क्या है पर फाइव एम तो पर टैबलेट का मतलब है एक क्वांटिटी मतलब एक टैबलेट में हंड्रेड एम है यहाँ पर क्या है वन ट्वेंटी फाइव एम पर फाइव एम मतलब फाइव एम में फाइव मिलीलीटर में वन ट्वेंटी ड्रग है तो यहां पर पर के आगे कितना है ये पर है ना ये साइन पर का है ना तो ये फाइव एम कितना है ये हमारी क्वांटिटी है तो क्वांटिटी हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पे कॉड इट सो यहाँ पर डिजायर्ड हमारे पास पॉइंट थ्री ग्राम है ऑन हैंड वन ट्वेंटी फाइव मिली है अब ये दोनों के जो यूनिट्स हैं ये क्या है डिफरेंट है ये मिलीग्राम है और ये क्या है ग्राम है तो हमने ग्राम को किस में चेंज करना है मिलीग्राम में चेंज करना है अब इसको कैसे चेंज करेंगे वन ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं वन थाउजेंड मिलीग्राम तो पॉइंट थ्री को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे वन थाउजेंड से क्योंकि वन ग्राम में वन थाउजेंड मिलीग्राम्स होते हैं तो पॉइंट थ्री का यहाँ पर ये यह आ गया टेन तो ये कितने होंगे थ्री हंड्रेड मिलीग्राम तो हमने ये चेंज कर लिया अब दोनों यूनिट सेम हो गए 300 मिलीग्राम 125 मिलीग्राम अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे फार्मूला में पुट करना इजी है क्या है फॉर्मूला तो डिजायर्ड हमारे थ्री हंड्रेड अपॉन इन हैंड या फिर ओन हैंड हमारे पास कितनी है 125 ट्वेंटी दैट इज 125 इनटू क्वांटिटी और क्वांटिटी कितनी है हमारी 5 ml क्योंकि पर 5 ml एल अब यहाँ पर 10 ml होता पर 15 ml होता पर 30 ml होता पर 50 ml होता तो उतनी उस हिसाब से हमारी क्वांटिटी होती अगर यहाँ पर पर 30 ml होता तो 30 ml हमारी क्वांटिटी होती तो क्वांटिटी हमारी कितनी आएगी यहाँ पर 5 ml और इज इक्वल टू हाउ मच द नर्स शुड एडमिनिस्टर टू द पेशेंट तो कितना डोज आ जाएगा ये हमारा ट इज थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी तो ये हमारा आता है so, so मल्टीप्लाई करना है इंटू फाइव तो ये थ्री हंड्रेड के साथ फाइव नहीं है एक्चुअली फाइव किसके साथ है पूरे ये जो वैल्यू है, है तो जो क्वान्टिटी आएगी वो क्या होगी अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो क्वान्टिटी आएगी ट्वेल्व एम एल तो नर्स ने कितना एडमिनिस्टर करना है 12 एम नर्स ने एडमिनिस्टर करना है सो इट्स वेरी इजी अगर टैबलेट्स है तो कितने टैबलेट एडमिनिस्टर करनी है कितने कैप्सूल एडमिनिस्टर करनी है वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे एम में है तो कितने एम नर्स एडमिनिस्टर करेगी बस इसमें हमने ध्यान क्या देना है कि पर कितने एम ड्रग प्रेजेंट है तो वन ट्वेंटी फाइव पर पर फाइव एम प्रेजेंट है इसलिए हमने क्वान्टिटी फाइव एम ली सो so बहुत ईजी है बस हमने ये ध्यान रखना है कि हम हमें दिया क्या हुआ है हमने निकालना क्या है प्लस हमने जो यूनिट्स हैं उनका ध्यान रखना है हमें यूनिट्स को सेम रखना है जो जो यूनिट्स हैं अगर डिज़ायर्ड ऑन हैंड डिफ़रेंट होंगे तो रॉन्ग कैलकुलेशन निकलेगी हमें सेम यूनिट रखना है तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और बहुत तो ही अभी तक हमने ड्रग डोज़ कैलकुलेशन करना सीख लिया है लेकिन ये हमने सिंपली सीखा है सिंपली मीन्स कई बार हमें ऐसे भी बोलते हैं डॉक्टर कि इतने एम पर के जी तो अगर हमने पर के का मतलब है उसमें वेट इंक्लूड हो गया स्पेशली जब हम पेडियाट्रिक पेशेंट्स के साथ डील करते हैं तो डॉक्टर यूजली बोलते हैं फोर एम पर के तो इसका मतलब हम ड्रग कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वेट कैसे करेंगे सो so ये भी बहुत सिंपल है कि वेट के बेसिस पर हम ड्रग कैसे कैलकुलेट करते हैं बस सिर्फ ये दो स्टेप में होता है वो सिंपली एक ही स्टेप में होता है ये दो स्टेप में होता है और दोनों ही बहुत आसान है कैसे होता है स्टेप स्टेज वन या फिर स्टेप वन में हम क्या करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला बिलो कैलकुलेट द टोटल रिक्वायर्ड डोजेज बेस्ड ऑन गिव द बॉडी वेट सबसे पहले हमने स्टेप वन में क्या करना है रिक्वायर्ड डोज अब जैसे हमने पिछले कैलकुलेट किया था जो भी पीछे हमने एग्जाम्पल्स कैलकुलेट किए थे उसमें डॉक्टर डायरेक्टली बोल रहा है कि फाइव हंड्रेड एम जी इज ऑर्डर्ड ठीक है तो हमें पता है कि इतना हमें रिक्वायर्ड है इतनी uh, जो डोज है वो रिक्वायर्ड है या फिर ऑर्डर्ड है यहाँ पर डॉक्टर कैसे बोलेंगे फिफ्टी एम जी पर के जी फिफ्टी एम जी पर टू के जी तो ऐसे बोलेंगे डॉक्टर तो ऐसे जब बोलना है तो हमें क्लियर नहीं है कि हमें रिक्वायर्ड डोज कितनी देनी है तो इसलिए सबसे पहले हम रिक्वायर्ड डोज को कैलकुलेट करेंगे सो so डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं बहुत सिंपल है वेट वेट हमने किस में कैलकुलेट करना है के में तो वेट हमने के में लेना है इन टू डोज ऑर्डर्ड पर के तो डोज ऑर्डर भी क्या होगी पर के जी फिफ्टी एम जी पर के जी राइट तो हमें जितना वेट पेशेंट uh, का है तो पेशेंट का वेट सपोज ट्वेंटी फाइव के है तो 25 फाइव के जी इंटू डोज ऑर्डर्ड डोज ऑर्डर सपोज डॉक्टर ने की है फाइव एम जी पर के जी तो यहाँ पर डोज हमारे पास कितनी आ जाएगी फाइव एम जी तो वेट इन टू डोज ऑर्डर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डोज अभी हम एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे सो so ये बहुत ईजी है उसके बाद रिक्वायर्ड डोज हमारे पास आ गई ध्यान हमने क्या देना है कि वेट हमारा के जी में होना चाहिए और डोज ऑर्डर वो यूजअली हमारी एम जी में होनी चाहिए तो रिक्वायर्ड डोज कितनी होगी वो हमें मिल जाएगी सो स्टेज सेकेंड क्या है अब अब स्टेज सेकेंड में हमने क्या करना है स्टेज सेकेंड बहुत सिंपल है जैसे हमने पहले ड्रग कैलकुलेट की थी वैसे ही अब डोज कैलकुलेट करनी है डी अपोन एच इन टू क्यू डी मीन्स डिजायर्ड क्वांटिटी डिजायर्ड मतलब जो डॉक्टर ने ऑर्डर की है दैट इज रिक्वायर्ड अपॉन एच एच मीन्स अवेलेबल कितनी है हैंड कितनी है इन टू क्वान्टिटी क्वान्टिटी मीन्स क्यू वो हम देख लेंगे कितनी है हमारे पास तो डी अपॉन एच में हमने पुट कर देना है अब डी क्या है ये जो ये हमारा निकला है वेट इन टू डोज ऑर्डर्ड पर के जी तो ये हमने यहाँ पर पुट करना है डी के प्लेस पर अवेलेबल कितनी है वो एच होगी इन टू क्वान्टिटी ना अब क्या निकल जाएगा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर तो जो एक्चुअल अमाउंट है मेडिकेशन का एडमिनिस्टर करना है वो हमारे पास निकल आएगा अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होता है अब एग्जाम्पल क्या है मेड्रोल फोर एम जी पर के जी अब यहाँ पर क्या आ गया पर के जी इज ऑर्डर्ड फॉर अ चाइल्ड ऑर्डर कितनी की गई है मेड्रोल 4 एम जी पर के जी मेड्रोल क्या है कॉटिकोस्टेरॉयड्स है सो so मेड्रोल 4 एम जी पर के जी इज ऑर्डर फॉर अ चाइल्ड नाउ 4 एम जी पर के जी पर के जी का मतलब यहाँ पर वेट आ गया कि इतने पर के जी ऑर्डर की गई है डॉक्टर से फॉर अ चाइल्ड वेइंग 64.8 फोर पॉइंट एट अब यहाँ पर पाउंड्स आ गया सो so वेट कितना है चाइल्ड का 64.8 पाउंड्स अब हमने पाउंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा के जी में मेड्रोल इज अवेलेबल एज 500 हंड्रेड एम जी पर फोर एम एल अवेलेबल कितनी है मीन्स ओन हैंड कितनी है 500 हंड्रेड एम जी पर फोर

एंड फॉर अ चाइल्डी चाइल्ड काउंड क्या आ गया पाउंड आ गया तो पाउंड को हमने के जी में कन्वर्ट करना है पाउंड को के जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वन के जी में होते हैं टू पॉइंट टू पाउंड हमने जब भी पाउंड्स को के में कन्वर्ट करना है तो हमने 2.2 से डिवाइड करना है क्यों क्योंकि वन के uh, में कितने होते हैं 2.2 पाउंड्स होते हैं तो 64.8 डिवाइडेड बाय 2.2। तो ये हमारा के में आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 29.4 नाइन आएगा तो बिकॉज मैंने इसको पहले कैलकुलेट किया हुआ है आप कैलकुलेट करके कंफर्म कर लें अब हमने क्या करना है वेट इनटू डोज ऑर्डर्ड पर के जी वेट कितना आ गया ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर और डोज ऑर्डर पर के जी कितनी थी फोर एम जी तो ये हमने स्टेज वन को कैलकुलेट कर लेना है हमारे पास क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड डोज आ जाएगी जो कि अप्रॉक्सीमेटली वन वन सेवन पॉइंट एट एम जी आएगा तो so, ये हमारा स्टेज वन यहाँ पर सॉल्व हो गया स्टेज वन में हमने क्या किया सबसे पहले डोज ऑर्डर्ड जो थी वो कितनी थी फोर एम जी पर के जी वो हमने यहाँ पर लिख ली फोर एम जी है वेट कितना था चाइल्ड का सिक्सटी फोर पॉइंट था तो पाउंड्स को हमने के uh, जी में कन्वर्ट करना है पाउंड्स वन के जी में होते हैं टू पॉइंट टू पाउंड्स तो अगर हमने पाउंड्स को के जी में कन्वर्ट करना है तो हमें पाउंड्स डिवाइडेड बाई टू पॉइंट टू करना होगा अब ये स्टेज वन जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा निकल आया मीन्स रिक्वायर्ड डोज हमारी निकल आई अब इस रिक्वायर्ड डोज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे रिक्वायर्ड डोज कितनी थी आई हमारी वन वन सेवन पॉइंट एट वन वन सेवन पॉइंट एट हमारी कितनी है डिज़ायर डोज है एम जी में है एच क्या है हमारा ओन एवेलेबल एवेलेबल कितनी है डोज एवेलेबल कितनी है मेडरोल इज़ एवेलेबल एज़ फाइव हंड्रेड एम जी फाइव हंड्रेड एम जी हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी एम जी में ही है फाइव हंड्रेड पर फोर एम एल तो क्वान्टिटी कितनी है हमारी फोर ये भी एम एल में ही प्रेजेंट है ऑलरेडी तो ये इसको कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा हमारा एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर कितनी अमाउंट हमने मेडिकेशन करनी है एडमिनिस्ट्र करनी है तो वो हमारी एक्चुअल इसको कैलकुलेट करके आ जाएगी सो इट्स वेरी सिंपल सिर्फ दो स्टेजेस में हमने इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि यहाँ पर पर के हो जाता है मीन्स वेट इसमें इंक्लूड हो जाता है इसलिए हमें रिक्वायर्ड डोज जो है वो एग्जैक्टली exactly पता करने के लिए हमें ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये हमें पुट करना पड़ता है उसको रिक्वायर्ड डोज आ गई उसके बाद वही सिंपल फॉर्मूला डी अपो नू क्यू तो दिस इज द फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट में करना मैं बता दूंगी कि सही है या नहीं सो so नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ड्रिप रेट सो ड्रिप रेट कैलकुलेट करने का मतलब क्या है सो समटाइम्स डॉक्टर क्या ऑर्डर करते हैं कि फाइव हंड्रेड एम एल फ्लूड एक घंटे में इस पेशेंट को एडमिनिस्टर होना चाहिए तो उस टाइम पर हम Uh, कैसे ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे कि इतनी ड्रॉप्स जाएंगी पर मिनट तो इतना एम जाएगा तो ये भी हमें कैलकुलेट करना होता है सो दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ इंट्रावेनस ड्रिप रेट तो जो आईवी सेट्स होते हैं दैट इज़ इंट्रावेनस सेट होते हैं या फिर इंट्रावेनस ड्रिप्स होती हैं इनके ऊपर uh, जो ड्रिप रेट है दैट इज ड्रॉप फैक्टर है वो मैंशन होता है वो अभी मैं बताती हूँ आपको क्या होता है सो so, फॉर्मूला ये है वॉल्यूम इन एम सो so, ध्यान में क्या रखना है वॉल्यूम एम में होना चाहिए कि कितना वॉल्यूम डॉक्टर uh, ने बोला है कि लाइक like, अभी एग्जांपल मैंने दिया था कि 500 हंड्रेड एम एल वन आवर में एडमिनिस्टर होना चाहिए तो 500 हंड्रेड क्या है हमारा वॉल्यूम है नेक्स्ट अपॉन टाइम टाइम किस में होना चाहिए मिनट्स में तो डॉक्टर ने बोला फाइव हंड्रेड इन वन आवर तो वन आवर को हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो एक घंटे में सिक्सटी मिनट्स होते हैं तो वन इंटू तो हम मिनट में टाइम रखेंगे इन टू ड्रॉ फैक्टर नाउ ये ड्रॉप फैक्टर क्या होता है ड्रॉप फैक्टर होता है जी टी टी एस तो ड्रॉप फैक्टर को हम जी टी टी एस से सिम्बलाइज करते हैं तो ड्राप फैक्टर क्या होता है आ, जो भी हमारे इंट्रावेनस सेट होते हैं उसके ऊपर ड्रॉप फैक्टर मेंशन होता है ड्रॉप फैक्टर का एक्चुअली मतलब होता है कि कितनी ड्रॉप्स जाएंगी लाइक एक एम अगर फ्ल्यूड है तो एक एम एल कितनी ड्रॉप्स में जाएगा तो ये डिपेंड करता है कि मैक्रो सेट है या माइक्रो सेट है लाइक like, मैक्रो सेट है तो टेन हो टेन ड्रॉप्स ड्रॉप फैक्टर हो सकता है ट्वेल्व हो सकता है फिफ्टीन हो सकता है ट्वेंटी हो सकता है अगर माइक्रो है तो सिक्सटी अराउंड सिक्सटी ड्रॉप फैक्टर होता है तो ड्रॉप फैक्टर हमारा जो आई वी सेट होगा उसके ऊपर मैंशन होगा तो ड्रॉप फैक्टर क्या होता है जी टी टी एस पर एम एल दैट इज़ ड्रॉप फैक्टर देन होता है इज इक्वल टू वाई फ्लो रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट तो इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि आईवी फ्लो रेट ड्रॉप्स पर मिनट कितना जाएगा सो so, अब हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं इसलिए समझ आ जाएगा कैलकुलेट द आई वी फ्लो रेट फॉर टू फिफ्टी एम एल ऑफ़ डेक्सट्रोज सो ये हमारे पास क्या है पॉइंट फाइव परसेंट डेक्स्ट्रोज है और आई वी फ्लो रेट हमने कैलकुलेट करना है टू फिफ्टी एम एल ऑफ पॉइंट फाइव परसेंट डेक्स्ट्रोज का सो कैलकुलेट द आई वी फ्लो रेट हमने आई वी फ्लो रेट कैलकुलेट करना है मतलब हमने ये कैलकुलेट करना है फ्लो रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट फॉर टू फिफ्टी एम एल ऑफ़ पॉइंट फाइव परसेंट डेक्स्ट्रोज टू बी एडमिनिस्टर्ड ओवर वन एट्टी मिनट्स तो डॉक्टर ने हमें बोल दिया है कि टू फिफ्टी एम एल डेक्स्ट्रोज को हमने एडमिनिस्टर करना है वन एट्टी मिनट्स में द इन्फ्यूजन सेट हैज़ ड्रॉ फैक्टर ऑफ थर्टी ड्रॉप्स पर एम एल इन्फ्यूजन सेट के ऊपर ड्रा फैक्टर गिवन है कितना है थर्टी ड्रॉप्स पर एम एल तो अब हमने हमारे पास गिवन क्या है वॉल्यूम हमारे पास गिवन है कितना 250 फिफ्टी एम एल टाइम हमारे पास गिवन है कितना 180 एट्टी मिनट्स टू फिफ्टी को ओवर 180 एट्टी मिनट्स एडमिनिस्टर करने टाइम 180 एट्टी मिनट्स है, इन्फ्यूजन सेट का जो ड्रॉप फैक्टर है वो कितना है 30 ड्रॉप्स पर एम तो जो ड्रॉप फैक्टर है दैट इज जी टी टी एस पर एम वो कितना है हमारे पास थर्टी राइट right? तो ये हमारे पास गिवन है अब हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो वॉल्यूम कितना है 250 टाइम कितना है 180 एट्टी मिनट्स इनटू ड्रॉ फैक्टर हमारा कितना है 30 तो हमने हमारे पास अब क्या निकल आएगा इसको कैलकुलेट करके फ्लो रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट कि इतनी ड्रॉप्स पर मिनट जाएंगी तो इतना एम इतने मिनट में एडमिनिस्टर हो जाएगा तो हमारे पास ड्रॉप जो हमारे पास वाई है मीन्स आई वी रेट जो हमारा है इन ड्रॉप्स पर मिनट वो ऑलमोस्ट कितना आएगा फोर्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स ड्रॉप्स पर मिनट तो इसको कैलकुलेट करके ये अराउंड इतना आएगा नाउ इसमें ड्रॉप्स पर मिनट का मतलब है फोर्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स अब फोर्टी वन पॉइंट सिक्स सिक्स का मतलब है अराउंड फोर्टी टू ड्रॉप्स पर मिनट तो हमने इसका राउंड अबाउट कर लेना है लाइक ये 41.66 वन पॉइंट सिक्स सिक्स है सो ऑलमोस्ट ये कितना होगा 42 टू ड्रॉप्स पर मिनट पॉइंट के बाद अगर फाइव से कम होता तो ये कितना होता 41 ही ड्रॉप्स होती तो ये हमने uh, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना है सो इट्स क्वाइट ईजी सो ये क्या है इंट्रावेनस ड्रिप रेट का इंट्रावेनस ड्रिप रेट मतलब कितना आई फ्लो रेट होगा ड्रॉप्स पर मिनट कितनी जाएंगी सो so, ये हम ऐसे कैलकुलेट कर करें नाउ नेक्स्ट फार्मूला विच इज़ वेरी इजी इज कैलकुलेशन ऑफ फ्लो रेट फॉर एन इन्फ्यूजन पम्प नाउ अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो इन्फ्यूजन सेट के लिए पढ़ा है इन्फ्यूजन सेट का मतलब है आईवी सेट जो आईवी ड्रिप्स होती हैं उनके लिए अभी हमें फार्मूला पढ़ा है तो वो तो ईजी है ही उसमें ड्रॉप फैक्टर होता है ड्रॉप फैक्टर आई सेट में होता है ओनली जो इन्फ्यूजन सेट होते हैं, उनमें होता है इन्फ्यूज़न पंप में ड्रॉप फैक्टर नहीं होता क्योंकि इसमें क्या है इसमें ड्रॉप्स नहीं जाती इसमें बहुत स्लो एम uh, जो फ्लूड है वो जाता है बहुत स्लो जाता है तो इसमें ड्रॉप्स तो नहीं जाती सो so, ड्रॉप से भी कम रेट पर इसमें जाता है तो इसमें ड्रॉप फैक्टर नहीं होता हमें पता है इन्फ्यूजन पंप जो हम यूज़ करते हैं वो आवर्स में बहुत घंटों में जो फ्लूड है वो इन्फ्यूज़ करता है वेरी स्लोली स्लोली तो ड्रॉप बाय ड्रॉप तो नहीं करता वेरी स्लोली करता है तो इसका जो फॉर्मूला है वो और भी ज़्यादा ईजी है इन्फ्यूजन सेट से भी ईजी है तो इन्फ्यूजन पम्प का फॉर्मूला है वॉल्यूम इन एम सेम अपॉन टाइम लेकिन इसमें टाइम किस में आ जाएगा आवर में उसमें किस में था मिनट्स में क्योंकि वो ड्रॉप्स जो है मिनट्स में जाती हैं जो आई वी सेट में हम जो जो भी हम इन्फ्यूज़ करते हैं वो मिनट्स में जाता है हार्डली आवर्स में जाता है लेकिन इन्फ्यूजन पम्प कभी भी मिनट्स में नहीं जाती क्योंकि उसमें इतना स्लो जाता है कि उसमें आवर्स में ही जाता है सो यूजली हम इसमें आवर लेते हैं टाइम में आवर लेते हैं मिनट नहीं लेते अगर मिनट है तो भी हम उसको पहले यहाँ पर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे देन आता है इज इक्वल टू वाई और निकल जाता है हमारा रिजल्ट दैट इज रेट इन एम एल पर आर मतलब इस फ्लो रेट पर हम इन्फ्यूजन पम्प को सेट कर देंगे दैट इज इन एम एल पर आर कि इतने एम एल पर आर जाएगा जैसे कि एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं 1200 हंड्रेड एम एल ऑफ़ डी फाइव डब्ल्यू डी फाइव डब्ल्यू इज डेक्सट्रोज फाइव इन फाइव परसेंट इन वाटर आई वी इज ऑर्डर टू इन्फ्यूज नाउ ये ऑर्डर uh, किया गया है टू इन्फ्यूज़ इन टेन आवर्स टेन आवर्स में हमने इन्फ्यूज़ करना है बाय इन्फ्यूजन पंप अब डॉक्टर ने हमें क्या बोल दिया कि 1200 हंड्रेड एम एल कितना 1200 हंड्रेड इन्फ्यूज़ होना चाहिए 10 घंटे में 10 आवर्स में बाय द इन्फ्यूजन पंप इन्फ्यूजन पंप है यहाँ पे हमें पता लग गया तो 10 आवर्स में इतना एम जाना चाहिए तो हम कैसे इन्फ्यूजन पंप को सेट करेंगे कि 1200 हंड्रेड एम एल घंटे में जाएगा तो कैलकुलेट द फ्लोरेट हमने कैलकुलेट करना है ये कि कैसे हम इन्फ्यूजन पंप को सेट करेंगे द फ्लो रेट इन एम एल पर आर एम एल पर आर में हमने उसको सेट करना है तो कैसे करना है 1200 ml क्या है क्या वॉल्यूम तो ऑलरेडी हैल में है तो हमें कन्वर्ट नहीं करना है यूनिट आई वी इज ऑर्डर टू इन्फ्यूज इन टेन आवर्स टाइम क्या है टेन आवर्स तो आवर्स में ऑलरेडी तो टेन आ जाएगा मेहनत में होता तो पहले हम आवर्स में कन्वर्ट करते इज इक्वल टू वाई वाई मतलब आई इन्फ्यूजन uh, जो फ्लो रेट है इन एम एल पर आर तो ये कितना हो गया हमारा वन ट्वेंटी एम एल पर आर तो हम वन ट्वेंटी मिली लीटर्स पर आर पर जो फ्लो रेट है इन्फ्यूजन का वो सेट कर देंगे तो क्या होगा कि वन ट्वेंटी एम एल पर आर पर जब हम सेट करेंगे इन्फ्यूज़न पम्प को तो ट्वेल्व हंड्रेड एम एल डी फाइव डब्ल्यू टेन आवर्स में इन्फ्यूज़ हो जाएगा So, if you understood this video, please like, subscribe, and share to my channel. Also, do support women empowerment. Thank you for watching.